नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष, आप सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स को स्वागत करता हूँ आप लोग का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली आप में से जो सब सिविल इंजीनियर्स है आप लोग के लिए है। अगर आपने डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग को लेकर कर रहे हैं या फिर आपका डिप्लोमा सिविल पे कंप्लीट हो गया है तो आप सोच रहे हैं बीटेक में अपना ब्रांच को चेंज करना, तो ऐसे केसेस में आप कौन सा ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सिविल स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है नहीं, सिर्फ तीन ब्रांचेस, तीन ब्रांच में से कोई भी एक ब्रांच आप लोगों को चूज करना पड़ेगा। ये क्या, आप लोग अपना मेन ब्रांच पे रहिए, मतलब सिविल इंजीनियरिंग पे ही कीजिए, क्योंकि ये तो एक मदर ट्रेड है। नहीं तो आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग पे कर सकते हैं, और एक होता है मगर ये वेस्ट बंगाल में इतना अवेलेबल नहीं, आउट ऑफ बंगाल में बहुत सारा कुछ रेपुटेटेड कॉलेज में ये अवेलेबल है। ये होगी आपका सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्पेशली। देखिए, ये सिर्फ तीनों ब्रांच ही है जिसके अंदर आप चाहे तो अपना हायर स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, मगर देखिए बाकी जो भी ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, इन लोगों के अंदर बहुत सारा ऑप्शन रहता है हायर स्टडी करने के लिए, मगर सिविल के लिए इतना ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता, सिर्फ तीनों ब्रांच है। तो पता है वीडियो बहुत शॉर्ट है, मगर आप में से रिक्वेस्ट किए थे सिविल के बारे में एक वीडियो बनाइए ब्रांच चेंज के बारे में, तो मैंने आप लोगों के लिए खास ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो इंजीनियरिंग रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए हाउ कैन आई हेल्प यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या ओपिनियन है कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।